हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राना आमिर नज़ीर है और ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। फ्रेंड्स, ये कुछ कोर्सेज़ मैंने मेंशन किए हैं जिनके कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और आप यूट्यूब चैनल पर राना आमिर नज़ीर लिखेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है शो हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको ई मेल आ जाए तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, आज जो क्या जो हमारा लेक्चर है वो है DSCP पर। DSCP का पार्ट 3 है हमारा। इसमें हम एक्सक्लू रेंज आज से पढ़ेंगे। हमने कोई भी DSCP का स्कोप एक बनाया था, अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। सर, खोलकर सर्वर रोल्स में आकर DSCP को आप ओपन करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, देन IP4 इसमें आप एड्रेस देखें। इसमें हमने कहा था कि ये एड्रेस पूल हमने एक बनाया था कि कोई भी हमारी कोई भी क्लाइंट मशीन जो ज्वाइन हो वो 21 से IP ले और 100 तक शो हो जाए। तो उसमें हम चाहते हैं कि हमें कोई ज़रूरत पड़ गई है, भाई हमने कोई नया सर्वर लगाना है जिसमें हम चाहते हैं कि 21 से लेकर 100 तक IP ना जाए, 30 से लेकर उससे मोर देन ज़्यादा IP चले जाए। यानी इसमें हम एक्सक्लूड कर लेते हैं 21 से लेकर 30 तक के कोई भी नई मशीन है उसको 31 IP ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। तो इसके लिए मैं एक्सक्लूड IP करते हैं, एड्रेस पूल पर आकर राइट क्लिक करेंगे, न्यू एक्सक्लूजन रेंज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जोन से IP हमने एक्सक्लूड करने हैं उनको क्लिक कर लेंगे, यानी हम 192.168.1 एंड देन 21 से लेकर 192.168.1 से लेकर 30 तक जो है हम एक्सक्लूड कर लेते हैं कि हम जो भी कोई नई मशीन है वो 31 से करे, जो भी है IP जनरेट करे ऑटोमेटिकली। ये हमने पूल ऐड कर लिया, ये हमारा पूल ऐड हो गया। हम इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब हम इस मशीन पर आते हैं। इस मशीन को हमारा जो IP था 21 मिला हुआ था, तो अभी इस मशीन पर आकर हम CMD को ओपन करेंगे। CMD ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे IP config /, एंड यहाँ पर रिलीज़ जस्ट पहले रिलीज़ करेंगे कि जो पहला IP इसको मिला है वो रिलीज़ हो जाए। रिलीज़ हो गया, देन हम करेंगे IP config एंड रीन्यू की कमांड रन करेंगे कि ताकि जो इसको नया IP ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। अब इसको एक्सक्लूड रेंज के मुताबिक हमारा जो है 31 IP अरे जनरेट होना चाहिए, 192.168.1.31। तो अभी ये विंडोज़ IP कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, 192.168.1.31 इसने IP ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। और इधर से भी हम चेक कर सकते हैं कि एड्रेस पूल में आकर इसको रिफ्रेश करें, एड्रेस लीज में आए कि कौन सा एड्रेस लीज हुआ है। ये देखें 192.168.1.31 PC को जो है इसको 31 IP जो रिलीज़ हो गया है। तो स्टूडेंट, इस तरह हम देख सकते हैं कि हम एक्सक्लूड जो है IP की रेंज को एक्सक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें कोई IP चाहिए, फर्दर चाहिए, तो हम इसको एक्सक्लूड रेंज में अपने पास सेव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।